दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः उपस्थित हूं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लेके आया हूं और उसके बारे में पूरा एनालिसिस लेके आया हूं और उससे संबंधित लगभग सभी जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं वो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको निवेश सलाह देना नहीं है, आपको इतना लिटरेट कर देना है कि आप खुद यह डिसाइड कर सकें कि उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी जो बोल रहा है उस बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कुछ दिनों के बाद आप खुद इतना सक्षम हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे कि आप हजारों शेयर में से वो एक शेयर चूज कर पाएंगे जिससे वो मल्टी बैगर साबित हो और आप माला माल हो सके, पैसा कमा सके। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम डेल्टा कॉरपोरेशन है। डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड यह इंडिया में कैसीनो के बिजनेस में एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। कैसीनो क्या होता है सभी जानते हैं, जिसमें जुआ, सट्टा, बार, एक तरह से बड़े लोगों का शौक होता है, सारे शौकिया चीज़ उसमें उपलब्ध होते हैं, उस क्षेत्र में पूरे इंडिया में एकमात्र कंपनी है और इसका मूल रूप से व्यवसाय गोवा और सिक्किम में है, क्योंकि वहीं पे इसका लाइसेंस वैलिड है। इंडिया में और कहीं इसको अलाउ नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा और इससे पहले एक बार मैं पुनः निवेदन करूं कि जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं या जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल सके और मेरा वीडियो उनको समय से पहुंच सके, ताकि उनको कोई लॉस ना हो, उनको समय पे जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या लगेगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जो मैं एनालिसिस करके रिसर्च करके लाया हूँ वो मैं बताता हूँ। गोवा में टोटल 3 लाइसेंस इस कंपनी के पास है। मैंने बता दिया कि इसकी व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ गोवा और सिक्किम में है, जिसमें गोवा में इसके पास 3 लाइसेंस है और इसमें जो इसके कैसीनो हैं उसमें 1800 गेमिंग पोजीशंस हैं, 1800 बहुत ज़्यादा होता है, और इसका 2 ऑफशोर कैसीनो भी है, डेल्टिन रॉयल एंड डेल्टिन जैकवार। ये 2 जो है ऑफशोर क्रूज टाइप, क्रूज कैसीनो समुद्र के अंदर, तो ये 2 है, ये भी अपने आप में लाजवाब है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके पास एक फ्लोटिंग कैसीनो भी है, होटल विद कैसीनो। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अभी इंडिया में जो ऑनलाइन गेमिंग का व्यवसाय है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग व्यवसाय है। दूसरे जो फॉरेन कंट्री है, अमेरिका है, यूके है, रसिया है, इन सब जगह पे तो इसका बहुत ही मार्केट विस्तृत हो चुका है और वहाँ के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, लेकिन इंडिया में अभी यह कम है। तो ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय में भी इसने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें मैं इसके साइट का नाम बताऊँ, adda52.com, adda52rummy.com और एक leagueadda.com। जैसे ड्रीम 11 है वैसे ही leagueadda.com ये अभी शुरुआत हुआ है, रिसेंटली शुरुआत हुआ है। तो ये तीनों ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय से जुड़े हुए कंपनी हैं जिसमें इसने निवेश किया है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसका जो पिछले एक साल का सेल्स है ये 800 करोड़ के आसपास है और इसका मार्केट कैप जो है 1868 करोड़ के आसपास है इस रेट पे, जो आज के डेट में रेट है इसका 69 रुपया के आसपास रेट है, 69 रुपीज़ के आसपास। और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, 40 रुपीज़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। चूँकि ये व्यवसाय रिस्की है, इसमें लगना कुछ नहीं है, एक बार अगर आपने सारी सेटअप को तैयार कर दिया है तो आपको सिर्फ स्टाफ खर्चे के अलावे कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। इसका नेट प्रॉफिट जो पूरे साल में हुआ था पिछले ईयर में वो 300 करोड़ के आसपास हुआ था और इसका डिविडेंड 2.25% के आसपास है, डिविडेंड बहुत कम देती है कंपनी।
इसकी बुक वैल्यू जो है 71 रुपया 69 पैसे के आसपास है, मतलब 72 रुपये के आसपास इसका बुक वैल्यू मान लीजिए। ईपीएस जो है 7 रुपया 90 पैसा के आसपास है और इसका पी मल्टीपल जो है 8.7 के आसपास है। अब मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि जो हमारे पैरामीटर होते हैं कंपनी को देखने के, उसमें से क्या क्या होते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कम पे जो शेयर मिलते हैं वो बहुत बढ़िया माने जाते हैं। तो आज के डेट में कंपनी जो है 69 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है, बुक वैल्यू भी 71 रुपीज़ के आसपास है, तो दोनों लगभग लगभग बराबर हैं। 10 से कम पी मल्टीपल के शेयर जो होते हैं वो हमारे हिसाब से सस्ते होते हैं। तो आपका पी मल्टीपल जो है 8.7 है, उसके हिसाब से भी आज के डेट में ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को चूज किया है कि यह पिछले 3 साल में कंपनी ने धीरे धीरे करके इसके जितने कर्जे थे, लगभग 550 करोड़ के आसपास कर्जे थे, उस कर्ज को इसने चुका दिया है। अब इस कंपनी जो है पूर्ण रूप से डेट फ्री कंपनी है, अर्थात पिछले 3 साल में जो इसने इंटरेस्ट के रूप में जो पेमेंट किया है वो अब ईपीएस में रिफ्लेक्ट होना है, तो इससे कंपनी की ईपीएस बढ़ेगी। अब मुद्दा ये उठता है कि जब कंपनी इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो कंपनी का शेयर प्राइस 240 रुपया से 70 रुपीज़ कैसे हो गया। दोस्तों, जो कोरोना क्राइसिस है, इस कोरोना क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है। कोई लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो जब टूरिज्म ही नहीं रहेगा तो कैसीनो में कौन आएगा। इंडियन लोग कैसीनो में नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। एक्चुअल में जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वही कैसीनो में जाते हैं, और डेल्टा कॉर्प का मुख्य जो ग्राहक है वो टूरिस्ट है। इस कारण से कोरोना से कब तक ये टूरिस्ट बंद रहेगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेगी कोई नहीं जानता है। इस कारण से इस पे कंपनी पे प्रभाव पड़ना तय है, और इसके हिसाब से शेयर बहुत ज़्यादा अपने टॉप से गिर गया है, एक कारण। दूसरा कारण कि अगर 2-4 महीने में फिर टूरिस्ट खुल भी जाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाते हैं, तो भी टूरिस्ट अभी कुछ दिनों तक, कम से कम 1 साल तक बहुत कम आएंगे, जिसका सीधा सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे पड़ेगा। इस कारण से यह कंपनी 1 साल तक के लिए घाटे में भी रह सकती है, या इनकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत कम रहेगी। घाटे में तो संभावना कम है क्योंकि इनके पास कर्ज है नहीं, और जितना इनको खर्चे के लिए, स्टाफ के लिए चाहिए उतना इंडिया से भी आ जाएगा, तो उस हिसाब से जो रिस्क है इस कारण से कंपनी डाउन हुई है। तो ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आज आप पैसा लगाएंगे और तुरंत या डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि यह सीधा सीधा इफेक्ट करेगा कोरोना क्राइसिस से। लेकिन इसकी अच्छी बातें क्या है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है, 32.77 होल्डिंग है, 7% इसकी होल्डिंग है प्रमोटर की, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशंस 27.26% है, सारे इंस्टीट्यूशंस मिला के, जिसमें इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, FII हो गया, सब कुछ मिला के 27% है, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत होल्डिंग है। और देश के 2 सबसे बड़े जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी और आर के दमानी, जो डीमार्ट के मालिक हैं, जो बिल्कुल सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं और सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो मल्टीबैगर हो जाता है, वो दोनों का इसमें निवेश है। राकेश दमानी का, आर के दमानी का इसमें जो निवेश है 1.32% है, और राकेश झुंझुनवाला फुल फैमिली का मिला के 7.38% का इसमें शेयर है। दोस्तों, एक जरूरी बात बताऊं मैं कि अभी मैंने सोरिल इंफ्रा का जो वीडियो डाला था उस पर हमारे एक दर्शक ने यह कहा कि कंपनी क्या खाक अच्छा है, 840 रुपये प्राइस था, आज के डेट में 60 रुपये पे मिल रहा है और 42 रुपये का लो बना दिया, 40 रुपये के आसपास का। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब शेयर अच्छा है, सब शेयर खराब है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ज्ञान है तो आप कमा सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। राकेश झुंझुनवाला ने और आर के दमानी ने, अगर मान लीजिए कि 70 रुपये से ऊपर पे, 100-150 रुपये में भी उन्होंने शेयर खरीदा है, 150 रुपये के आसपास में भी डेल्टा कॉर्प का शेयर राकेश
झुंझुनवाला जी ने खरीदा है। अब उस प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज वो घाटे में है, लेकिन जो अभी प्राइस मिल रहा है, चूंकि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो अभी जब आप निवेश करेंगे मेरे कहने पे, तो ये भविष्य में आपको 2 गुना 3 गुना रिटर्न 3-4 साल में निश्चित रूप से देगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप मान के चले कि 2 साल में मिनिमम डबल का टारगेट लेके 140 रुपये के टारगेट के साथ आप निवेश करिए 2 साल के लिए, और निश्चित रूप से आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इसके पूरे पूरे आपको जानकारी दे दी है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन उनको समय से मिले। और इसके साथ ही अगर यह शेयर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो सके। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।